हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मॉडल पेपर के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये बीए पार्ट थर्ड का पेपर है, मॉडल पेपर है और 2015 का आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉडल पेपर मैंने सोचा कि सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके किस पैटर्न में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास इसका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अभी कानपुर यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर का पेपर थर्ड भी इंग्लिश लिटरेचर का शेयर किया हुआ था। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोगों ने भी देखा होगा उस वीडियो को, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बुक का क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर माना जाता है और सब्जेक्टिव पैटर्न में आता है। ठीक है, फिलहाल 2020 में इसका 2020 में ये सब्जेक्टिव पैटर्न में आ रहा है और फिर कई साल में कभी हो जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव बना दें। ठीक है, कभी सब्जेक्टिव में इस तरीके से, कभी इस तरीके से चेंजमेंट हुआ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इस साल फिलहाल इसको सब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह आने हैं और क्या किस तरीके के मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पर दिखे रहे, 50 मार्क्स का होगा और इसका पैटर्न क्या रहेगा, ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन है कि अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें, सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आंसर्स देने हैं आपको क्वेश्चंस के। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे टोटल। ठीक है, और सभी कंपलसरी हैं, चूज़ करने वाला कोई ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा और हो सकता है दे भी दिया जाए लेकिन वैसे दिया नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर कि अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहा जाता है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपको जरूर करने होंगे और सारे करके ही आपको बताने, और हर एक जो भी क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स का है। ठीक है, सारे कंपलसरी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में फर्स्ट ए नंबर में पूछ रहा है, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में। उसके बाद में फिर पूछ रहे हैं कि रोमांटिक रिवील का, लॉर्ड ब्रायन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, रोमांटिक रिवील में, और फिर डिकेडेंस का मतलब पूछे कि क्या आप इससे क्या समझते हैं। फिर और फिर यहाँ पर देखिए टेक्निक्स थिएटर की। सो फ्रेंड्स, अभी कई सारी एक ऐसी वीडियो हैं, अभी आप लोगों को फिलहाल अगर आप लोगों ने पहले से कहीं से पढ़ रखा होगा तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी हमने सारे टॉपिक्स को कवर अप नहीं किया है, अभी तो मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ चीज़ों को कवर अप किया था, जैसे कि ज़ेनिसा मूवमेंट को कवर अप किया था और ह्यूमनिज्म और रिफॉर्मेशन मूवमेंट को, हमने इन्हीं 3-4 चीज़ों को कवर अप किया था और एलिजाबेथन ड्रामा को कवर अप किया था। सो फ्रेंड्स, अभी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एलिजाबेथन पोएट्री हो गया आपका। ठीक है, और यूनिवर्सिटी वेट्स और नियो क्लासिज्म, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे एक्चुअली में सारे जितने भी हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे होगा एक तरीके से सीरियल सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल ये सभी लोगों का पेपर अब क्योंकि पास में आ गए हैं तो सबके साथ में मॉडल पेपर शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी था। सो यहाँ पर डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म इन ब्रीफ, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद फिर फ्रेंड्स, आपको जो सेक्शन भी है उसमें आपको चूज़ करने वाली चॉइस मिलती है, टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, 1, 2, 3, 4, 4 में से आपको क्या करना पड़ेगा, अटैम्प्ट एनी 2, यानी कि 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 करने पड़ेंगे तो मोरेलिटीज प्ले, अभी हम लोग फ्रेंड्स फिलहाल अभी बात करेंगे इसके बारे में, मोरेलिटी प्लेज मिरेकल प्लेज जो भी होते हैं। ठीक है, तो नियो क्लासिज्म, इन सभी में से आपको 2-4 दिए हैं हुए हैं तो आपको 2 चूज़ करके लॉन्ग में लिखने होंगे और हर एक मार्क्स जो, हर एक जो क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन सभी को कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, वही सेक्शन भी हमारा, सेक्शन बी भी जो है हमारा, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और टोटल वही 4 क्वेश्चन इसमें भी हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं, उसमें से आपको 2 के आंसर्स देने, यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है अटैम्प्ट एनी 2 और हर एक मार्क्स, हर एक जो क्वेश्चन है उसमें वो भी 8 मार्क्स का है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो टाइम इसका क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है आपको पता ही होगा कि 3 आवर्स का आपको समय मिलता है। ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पैटर्न के पेपर होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो कुछ भी है अपनी तरफ से आप इसको सॉल्व कर, अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की इस पेपर को कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इससे भी शायद फंस जाएं। ठीक है, वैसे भी जो भी पुराने पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व अप हम लोगों को जरूर करना चाहिए, जिससे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे फंसते जरूर हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। अभी फिलहाल जो पूरा पेपर जो है वो तो पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सारे टॉपिक्स को कवर अप नहीं किया जा सका है। ठीक है,
तो जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे, जितने भी टॉपिक्स बताया, अभी सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई, जैसे दैनसा मूवमेंट हो गया और कई सारे मूवमेंट्स वगैरह। एलिजाबेथन ड्रामा तक हम लोग पहुंच गए थे, अब आगे के चीज़ों के बारे में अभी फ़िलहाल आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, और इसी तरीके का मेरे पास में और भी कुछ मॉडल पेपर्स रखे हुए हैं, टाइम मिलता है तो उन सभी को आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।